सनासन धाम की जय। सनासन धाम की जय। सनासन धाम की जय। वीर बजरंग बली की जय। वीर बजरंग बली की जय। सर सब तो पहले अपना नाम की है, तो केड़े मंदिर से प्रोग्राम चल रहा है, की कहना चाहोगे इसके बारे में? मेरा नाम प्रेम सागर गुप्ता है। हम श्री सनातन धर्म मंदिर सेक्टर 79 में हैं इस समय, और आज का जो भंडारा है वो मदन लाल जी के पोते के जन्मदिन के उपलक्ष में कबीर शर्मा जी के जो पोता है उनका भंडारा आज जो है वो चल रहा है। मंदिर का नाम बताइए सर, और ये मंदिर मतलब मंगलवार को लंगर चलता है यहाँ पर, भंडारा चलता है कि सिर्फ आज के दिन ही है, क्या कुछ है इसका? मंदिर का नाम श्री सनातन धर्म मंदिर सेक्टर 79 मोहाली। ये हम 2015 में यहाँ आए थे, तब यहाँ पर कोई भी मंदिर नाम की चीज़ नहीं थी। मेरी मिसिज को कीर्तन करने का बड़ा शौक है, तो इन्होंने अपनी सहेलियाँ इकट्ठी की, बहन कमला कटोच जी को साथ में लिया, नीरू जी को साथ में लिया, और ज्योति को साथ में लिया, ऐसे और कई लेडीज को साथ लेकर हमने अपने घर में कीर्तन शुरू किया। उस प्रभु की दया से हमने कहा अगर हमने मंदिर बनवाना है तो हम सालासर जी के प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं कि हम सवा मनी चढ़ाएंगे अगर भगवान हमें यहाँ पर मंदिर की जगह ले दें। तो हमारी लेडीज बैठी थी उसमें, पूनम खेरा कहने लगी कि क्या ये हनुमान जी हमें मंदिर की ज़मीन ले देंगे? मैंने कहा बेटे जब मन में विश्वास हो तो कोई ऐसी चीज़ नहीं कि हमें मंदिर की जगह ना मिले। बिल्कुल सर, आस्था की बात की जाए तो आस्था में कहीं कमी नहीं है, श्रद्धालुओं में पूरा जोश है, लेकिन अभी मंदिर निर्माण कार्य में कौन कौन से काम अभी यहाँ पर होना है, किसकी मतलब आप लोग ज़्यादा वो कर रहे हो कि ज़्यादा ज़्यादा मतलब वो बन जाए, वो काम हो जाए, जिससे कि मतलब भक्त यहाँ जो आते हैं उनको पूजा अर्चना वगैरह करने में कोई दिक्कत ना आए? ऐसा पूजा अर्चना तो चल ही रही है, उसके लिए तो ये टेम्परेरी मंदिर है, शिव मंदिर हमारा कंप्लीट है, और जो हम बेसमेंट बना रहे हैं इसकी छत जो है 15 मई तक डल जाएगी। जब बेसमेंट उसके अंदर डल जाएगी तो भंडारे भी जो हैं वो बेसमेंट के नीचे शुरू हो जाएंगे। ये हनुमान जी की कृपा है कि जो हर मंगलवार जो है ये भंडारे शुरू हुए हैं। मैं और मिस्टर एमपी सिंह जी जो हमारे चेयरमैन हैं, वो अब सालासर बाबा की देख रहे हैं मूर्त। ये हम कैलेंडर लिया और हम इसको जलाने के लिए चले गए, तो जब हम गाड़ी में रखने लगे तो गाड़ी में भगवान प्रवेश नहीं हो रहे थे, बड़ी मुश्किल से अंदर टेढ़ा वगैरह करके हमने गाड़ी के अंदर रखा, और मैंने कहा इसको घर लगाएंगे। घर जहाँ लगाना था वहाँ पर भी भगवान नहीं लग पाए। मैंने कहा ड्राइंग रूम में लगाएंगे, तो ड्राइंग रूम में भी नहीं लगे। मैंने कहा इन बाबा ने यहीं स्थापित होना है, तो हम बाबा को यहाँ लाए। यहाँ जब से लाए हैं, ये शनिवार हम लाए थे, और मैंने रात को जब मैं सोया तो मैंने कहा बाबा ऐसे नहीं, हम मंगलवार को आपका भंडारा करेंगे। भंडारे के लिए कोई आदमी नज़र नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा भंडारा मेरी तरफ से होगा। मिसेज कहने लगी कि भंडारा आपकी तरफ से होगा, क्या हर मंगलवार भंडारा होगा? मैंने कहा ये तो बाबा की कृपा है, अगर बाबा ने चाहा तो हर मंगलवार कीर्तन मतलब भंडारा होगा। इसमें हम सुंदरकांड का पाठ करेंगे, और महिला मंडल जो है वो कीर्तन और सुंदरकांड का पाठ किया करेगी, और जो इस बाबा का भंडारा रखेगा उसकी निरोगी काया होगी, उसके घर में सुख और समृद्धि धन मिलेगा बाबा की तरफ से। तो मेरा जब भंडारा ख़त्म होने वाला था तो मैंने यहाँ पर आकर अनाउंसमेंट की भी हमने हर मंगलवार को भंडारा करना है, तो 4-5 लोगों ने भंडारा बोल दिया भी हमारा अगले मंगलवार होगा, हमारा मंगलवार। मतलब आप ये कहना चाहते हो शुरुआत करने की जरूरत है, बाकी काम तो परमात्मा अपने आप उन्होंने कर। अब हमारा जुलाई तक हमारे पास भंडारे बुक हैं, जो कि एक डेट भी हमारे पास खाली नहीं है। और लोग कई दो दो भंडारे भी करने के लिए आए हैं कि हमारा भंडारा इस तरीके को बुक कर दीजिए। हम उन्हें जवाब देते हैं अभी हमारे पास भंडारे की डेट नहीं है। क्या और मुझे ऐसी आशा है कि भाई 2023 तक के भंडारे बहुत शीघ्र जो हैं वो बुक हो जाएंगे। क्या आप कुछ कहना चाहोगे?
मैं तो सर यही कहना चाहूँगा कि सबसे ज़रूरी जो हमारा अब आज की डेट में कार्य है वो कंस्ट्रक्शन का कार्य है, और हम बहुत ही भव्य मंदिर यहाँ पे बनाएंगे। और जैसे प्रेम सागर गुप्ता जी जो हमारे प्रधान जी हैं और चेयरमैन साहब हैं और सारे जो हमारे एग्जीक्यूटिव के मेंबर हैं, वो चाहते हैं कि एक बहुत भव्य मंदिर बने और ट्राई सिटी का सबसे बढ़िया और देखने योग्य मंदिर बने। और मुझे पूरी आशा है कि जिस हिसाब से लोगों की लगन लगी हुई है इसको बनाने में, और वो शीघ्र ही पूरा होगा, और आप जब नेक्स्ट टाइम आएंगे जब मंदिर बन जाएगा तो आप भी बोलेंगे कि वाह, ट्राई सिटी में अगर सबसे बढ़िया मंदिर है तो 79 का ही मंदिर है। आइए सर, क्या कहना चाहोगे आज के प्रोग्राम में और इस मंदिर की आस्था को लेकर क्या कुछ कहना चाहोगे आप? हम तो यही कहना चाहेंगे कि मंदिर के निर्माण के लिए जो यहाँ के भगत हैं वो बहुत दिल खोल के दान दे रहे हैं, और इतनी जल्दी में हम बेसमेंट कंप्लीट करने जा रहे हैं, और मुझे आशा है कि मंदिर भी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और ये बहुत अच्छा मंदिर बनेगा। बिल्कुल, और ये जो हर मंगलवार को लंगर की जो हमने प्रथा स्टार्ट की है साला सर जी की कृपा से, इसको आप किस नज़र से देखते हो और ये मतलब किस मतलब इसके बारे में आप? ये जो भंडारा है अभी तो मंगलवार में चालू हुआ है, आए दिनों में हर रोज भंडारा चालू होगा इधर, हम यही आशा करते हैं। नाम बताइए। मेरा नाम हेमलता गुप्ता है जी। किसी आगे कहना चाहोगे आज जो प्रोग्राम हो रहा है? हाँ, प्रोग्राम मंदिर की आस्था को लेकर। मंदिर की आस्था हमारी मंडली में, लेडीज मंडली में बहुत ज्यादा है जी, सब बहुत टाइम देते हैं अपना और कीमती टाइम दे के सब कीर्तन करते हैं जी, घर घर कीर्तन करने जाते हैं हम। हमारा एक ही मोटिव है कि भी कीर्तन बहुत अच्छे से अच्छा हो और अच्छा भी होता है, बहुत सारी मंडली में एकता है, सबको एक ही लगन है कि हमारा मंदिर बने, कैसे भी करके हम पैसा इकट्ठा करें। मंदिर बन गया, बन जाए हमारा बहुत अच्छा बन जाए, हमें चाहते हैं जी मंडली वाले, इसलिए कीर्तन पैसा इकट्ठा करते हैं तो चलो मंदिर बन जाए। मंदिर बनेगा? हाँ बन जाएगा, क्यों बनेगा, हमारा मंदिर सभी मैं निरुसूत, हमारा मंदिर सबसे अच्छा मंदिर बनेगा सारे से मोहाली में। हमारी सारी मंडली की बहुत ज़्यादा लगन है, हम तन मन धन से पूरी तरह इसमें शामिल हैं, हमें जब भी बुलाए हम उसी टाइम पहुंच जाते हैं, हमारी मंडली में बहुत एकता है और बहुत जल्दी हमारा मंदिर बने। आस्था के ऊपर बात की जाए, हाँ आस्था के ऊपर क्या? आस्था तो पूछो ना, हम पूरे रमे हुए हैं भगवान में, आस्था की तो बात ही ना करो, पूरा मंडली पूरी रमी हुई है भगवान में, बहुत आस्था है। हर मंगलवार को यहाँ पर क्या कुछ होता है उसके बारे में थोड़ा डिटेल? हर मंगलवार में हमारे अंकल जी की वजह से बहुत अच्छा कार्यक्रम शुरू हुआ है, भंडारा शुरू हुआ है, ये अभी किसी मंदिर में नहीं है लेकिन हमारे मंदिर में हर मंगलवार को होता है, बहुत बड़ी बात है। और कितने अभी तक बहुत बुक हो गए हैं, सुंदरकांड का पाठ होता है और सारी संगत बड़ी धूमधाम से यहाँ पहुँचती है, खूब हम खुश हैं। कीर्तन मंडली की तरफ से, महिला मंडली की तरफ से बात की जाए तो क्या कुछ होता है आप लोगों की तरफ? कीर्तन मंडली तो हमारी बहुत बहुत ही बहुत बढ़िया मंडली है, हमेशा तैयार रहती है, कहीं भी कीर्तन हो सारे बड़े जल्दी पहुँचते हैं। वो कहते हैं ना कि अगर लेडीज का कहीं पर योगदान है तो बहुत जल्दी वो कामयाबी। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारी मंडली मंदिर के हमारे मेजोरिटी काफी है। हाँ जी बहुत ज्यादा मेजोरिटी है, सारे बहुत है आज पूरी संगत का। हाँ Yeah।
तेरा दे।